अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाजिम और मेरे चैनल पे मिलती हैं आपको बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे देती हूं आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ और जी मैं आप लोगों को बताती हूं रेमेडीज़। तो आज की रेमेडी आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत देर से आपको मिल रही है, उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया कि दुबई के विज़िट के लिए आई हुई हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो बनाने के लिए। तो आज जो मैं आप लोगों को मास्क बता रही हूँ वो चिया सीड्स का मास्क है, जो कि टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो वो फेस कैसे बनेगा और वो वाकई वर्क करेगा कि नहीं करेगा ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कुकवू कंपनी के चिया सीड यूज़ कर रही हूँ। कुकवू कंपनी का चिया सीड्स का मैं आप लोगों को पहले भी रिव्यू दे चुकी हूँ। अच्छा, ऑर्गेनिक चीज़ अगर आपको नंबर वन क्वालिटी की मिले तो वो बहुत बेस्ट रहती है। तो नंबर वन क्वालिटी की अगर चीज़ आपने लेनी है तो कुकवू फूड से आप रब्ता कर सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं पहले भी इनके बारे में आपको गाइड कर चुकी हूँ, तो वहाँ उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने यहाँ से मंगवाने हैं, क्योंकि पैसे खर्च करने हैं तो फिर अच्छी जगह खर्च कर लें। तो चिया सीड जी इस तरह के होते हैं, ये मैंने 2 टेबल स्पून निकाले हैं क्योंकि मुझे 2 फेस मास्क बनाने हैं अपने, मतलब 2 लोगों को करना है। तो मैंने के चले एक साथ आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। अगर आपने एक फेस के लिए बनाना है तो 1 टेबल स्पून लेंगे, ठीक है, 1 टेबल स्पून आप लेंगे जी चिया सीड्स 1 फेस के लिए। उसके अलावा जी आपने बहुत ज़्यादा पानी में इसको नहीं भिगोना, इसको ओवरनाइट आपने भिगो देना है। अगर आप 3 से 4 घंटे भिगोएं तो भी काम चल जाता है। तो मैं जब मास्क बनाती हूँ तो मैं रात को भिगोती हूँ और सुबह इसको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत आसान मास्क है जो आपकी फेस को टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और जी आपकी मनपसंद चीज़ वाइटनिंग भी देगा। तो वाइटनिंग अगर आप लोगों को चाहिए, टाइटनिंग चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए तो आप इस मास्क को लाजमी यूज़ कीजिएगा। आपने तकरीबन 1/2 कप पानी में मैंने ये भिगो के रख दिया था, अब ये ओवरनाइट भिगोया है मैंने। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जितना पानी मैंने डाला था ना बस इतना डालना है। ओवरनाइट भिगो दिया तो जी ये कंडीशन है। अब सुबह जब मैंने उठ के इसको देखा और आपको दिखाया तो ये कंडीशन थी इसकी, आप भी जब भिगोएंगे तो ऐसा ही होगा। अब हमने इसमें 2-3 और इंग्रेडिएंट डालने हैं जो आपकी स्किन को ब्राइट करेंगे, वाइट करेंगे। इसके साथ साथ चिया सीड जो है वो आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो जनाब सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करना है। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो इसमें कोकोनट ऑयल को स्किप कर देगा, ठीक है। उसके अलावा जी हमने 4 to 6 ड्रॉप्स डालने हैं लेमन के। तो मैं 2 फेस का बना रही हूँ तो मैंने तकरीबन 10 to 12 ड्रॉप्स डाल लिए हैं और मैंने कोकोनट ऑयल भी जो है वो 1 टीस्पून पूरा डाला है। तो क्योंकि 2 फेस के लिए मैं बना रही हूँ और अगर आपने 1 के लिए बनाना है तो आप क्वांटिटी को हाफ करते जाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डाल दी। लेमन जो है वो आपकी स्किन पे वाइटनिंग इफेक्ट देता है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी मिल्क, और मिल्क आपने जितना, बस ये जितना मैं थिक इसे करूँगी ना इतना ही आपने ऐड करना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जाएगा इसमें, ठीक है ना, 2 से 3 टेबल स्पून। और फिर हमने इस बैटर को जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ऐसा करें कि चिया सीड्स को आप पहले पाउडर बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, पाउडर बना लें और फिर उसको भिगो दें, ठीक है। तो आपको ऐसे ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये जी मेरा फेस मास्क जो है वो रेडी हो गया है। आप इस मास्क को तकरीबन 20 to 30 मिनट अपने फेस पर लगा के रखेंगे और मैं इसके भी आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाती हूँ और आप देखें कितना स्टिकी और कितना अच्छा है। तो जब ये ड्राई होता है आपके फेस पे तो ये बहुत अच्छा टाइटनिंग इफेक्ट देता है आपके फेस पे। और ये चीज़ें ना आपको, अगर आपने वाइटनिंग लेनी है, आपने ब्राइटनिंग लेनी है तो आपको इसको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने एक दफ़ा यूज़ किया तो आपको मैजिकल रिजल्ट मिल जाएंगे, आपको इसको अपनी रूटीन में रखना पड़ता है। तो रूटीन में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट्स अप्लाई करूँगी। 20 मिनट्स अप्लाई करने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसी तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे ही आपने फेस पे लगाना है। और अगर अच्छे चिया सीड्स आपको चाहिए तो आप कुकवू फूड से मंगवा लें, इनका नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छी चीज़ अगर मिल जाए ना तो वो अच्छे रिजल्ट्स देती है। मैंने इनका आपको मोरिंगा पाउडर भी बताया और दिखाया है, इसके अलावा किनवा भी आपको बताया और दिखाया है। तो जनाब टिकटॉक वायरल मास्क जो आप देखते हैं उसमें तो पता नहीं क्या क्या केमिकल ऐड होते हैं, तो देखें हमारे बनाए हुए मास्क ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, कितना अच्छा स्टिकी था और अच्छे तरीके से लग भी गया था। और रिजल्ट्स भी देखें कितने रिफ्रेशिंग हैं, ब्राइट हैं। जब आपने किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है और आपको ब्राइटनिंग चाहिए तो आप इस फेस मास्क को लगाएं और आप अपने फंक्शन में जाएं तो आप देखिएगा कि ब्राइटनेस आपको ज़रूर 100% मिलेगी। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो जनाब दोबारा पटरी पे चढ़ने लगे हैं और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने लगी हैं ताकि ईद पे आप अपनी स्किन को अच्छा कर लें, वाइट कर लें, ब्राइट कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।